हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। ये है एथिक्स का लेक्चर वन। इसमें आज हम बहुत अच्छी अच्छी चीजों के बारे में एक एक कीवर्ड को समझने वाले हैं। शुरुआत हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू एथिक्स में एटीट्यूड के साथ। आपका एथिक्स को पढ़ने का जो एटीट्यूड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ठीक है? नॉट जस्ट एथिक्स बट इन योर रियल लाइफ एज वेल। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एटीट्यूड। देखिए, सबसे पहले समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नोट्स आपको मैंने बताया था कि आप ये परचेज कर सकते हो वो कुछ इस तरीके से है। आप ये देख सकते हो, मैं बिल्कुल एक एक वर्ड बाय वर्ड इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? आप देख सकते हो इस तरीके के नोट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? पूरा हैंड रिटन नोट्स है, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके साथ साथ इन हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ मैं आपको वो जो प्रिंटेड फॉर्म के नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड करूंगी, ठीक है? आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें जरूरत की हैं, जो भी एथिक्स से रिलेटेड जरूरत की चीजें हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगी। हैंड रिटन के साथ साथ प्रिंटेड भी आपको मिलेगा, ठीक है? सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। अभी फिलहाल मैं एक ब्लैंक पेज ले रही हूँ ताकि आपको जो भी वर्ड है उनको एक्सप्लेन करूंगी और फिर मैं आपको नोट्स दिखाऊंगी। ओके, एटीट्यूड को समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट और मटेरियल ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस। पहले मैं इससे क्यों स्टार्ट कर रही हूँ ये आपको पता चल जाएगा। थोड़ा मैं आपको स्लोली समझाऊंगी, आप चाहो तो स्पीड बढ़ा सकते हो लेक्चर का अगर आपको ये सारी चीजें पता है, बट मैं बहुत स्लो जाऊंगी ताकि आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बाय मीनिंग क्लियर होता चला जाए। देखिए, अगर ये बड़ा सर्कल एक साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर का ये छोटा ऑब्जेक्ट जो है वो मटेरियल ऑब्जेक्ट है। साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिसको हम परसीव करते हैं एज अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट। वी परसीव एज अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है? रेफरेंस तो आपको पता होगा कि अगर आप एक जगह से अपने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको किसी जगह को रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। तो जिन चीजों को हम एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट की तरह परसीव करते हैं, ठीक है, चाहे वो मटेरियल हो, फिजिकल हो, जिसको हम देख सकते हो, टच कर सकते हैं, ये सब कुछ साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट में आएगा। लेकिन मटेरियल ऑब्जेक्ट सिर्फ वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे आपका पेन, आपका चेयर, आपका टेबल, ये सारी चीजें मटेरियल ऑब्जेक्ट है। लेकिन साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट इज वे बियॉन्ड मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसमें वो सारे इमोशंस, वो सारी फीलिंग्स, वो सारी चीजें आ जाती है जो आपको नहीं दिखती है, जो आप सेंस नहीं कर सकते हो, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। लेकिन मटेरियल ऑब्जेक्ट में सिर्फ वो चीजें आ सकती है जिसको आप सेंस कर सकते हो विद योर फाइव सेंसेस। ध्यान रखिएगा इसको। तो ज्यादा बड़ा डायमेंशन हुआ साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट का। हमको बेसिकली जो देखना है वो देखना है कि एटीट्यूड क्या होता है। आपको अब इससे कोई मतलब नहीं है, अब आपको जो मतलब है एटीट्यूड से है। समझ में आ जाएगा क्यों बोल रही हूँ, क्यों समझाया मैंने इनके बीच का डिफरेंस। एटीट्यूड, देखिए, हम बोलते हैं ना कि उसमें बड़ा एटीट्यूड है, या हमारा एटीट्यूड एग्जाम के प्रति बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। तो एटीट्यूड होता क्या है, इसको भी तो समझने की जरूरत है। एटीट्यूड कुछ नहीं बट एक ओरिएंटेशन होता है आपके, आपका किसी भी चीज के प्रति रुझान, ठीक है, ओरिएंटेशन होता है या इंक्लिनेशन होता है। एटीट्यूड इज नथिंग बट एन ओरिएंटेशन और इंक्लिनेशन। किस चीज के प्रति? किसी चीज के प्रति तो रुझान होगा ना, गाने के प्रति, खाने के प्रति, कुछ के प्रति तो होगा। तो एटीट्यूड एक तरह का ओरिएंटेशन है या इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स एनी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। अभी आपको मैंने डिफरेंस समझाया था, ओरिएंटेशन और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है? साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट में सिर्फ मटीरियल नहीं होता है बट वे बियॉन्ड मटीरियल, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो एटीट्यूड क्या है? इट इज एन ओरिएंटेशन और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। किसी भी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के प्रति आपका जो इंक्लिनेशन है वो पॉजिटिव हो सकता है
आप उसके बारे में अच्छा अच्छा फील करेंगे, अच्छा अच्छा सोचेंगे। नेगेटिव हो सकता है, अच्छा नहीं लग रहा है भाई, खराब लग रहा है, नहीं पसंद है, या फिर एम्बिवेलेंट हो सकता है। याद रखिएगा क्या बोला मैंने कि एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड एक तरह का ओरिएंटेशन है, रुझान है या इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स एनी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और एम्बिवेलेंट। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये एम्बिवेलेंट क्या है। देखिए एम्बिवेलेंट का मतलब क्या होता है कि या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर न्यूट्रल हो सकता है या फिर मिक्स, ये दोनों का मिक्सचर। अगर आपको किसी कंडीशन में कोई चीज अच्छी लग रही है, वही सिमिलर सिचुएशन में कोई चीज आपको खराब लग रही है। जैसे मान लीजिए आपको डायबिटीज हो जाता है, आपको इससे पहले आइसक्रीम बहुत पसंद थी, लेकिन अब आपको चूंकि एक बीमारी हो चुकी है तो आप उसको पसंद नहीं करोगे अब, है ना, क्योंकि इसको खाओगे तो आपका शुगर बढ़ जाएगा। तो पहले आपका जो आइसक्रीम के प्रति एटीट्यूड था वो पॉजिटिव था, डायबिटीज होने के बाद अब आपका जो एटीट्यूड है आइसक्रीम के प्रति वो नेगेटिव है। लेकिन जैसे ही मार्केट में एक नया आइसक्रीम लॉन्च होता है, जो पता लगता है कि ये तो डायबिटीज के पेशेंट्स भी इसको खा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी, इससे तुरंत आपका जो एटीट्यूड है वो क्या हो जाएगा उसके प्रति एम्बिवेलेंट। बात समझ में आ रही है? सो सिचुएशन वाइज ही चेंज हो गया। सो व्हेन यू हैव एन ओरिएंटेशन और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एनी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट विच इज पॉजिटिव, नेगेटिव और एम्बिवेलेंट इज नोन एज एटीट्यूड। देखिए हो गया ना, डेफिनेशन भी याद हो गया, चीजें भी समझ में आ गई, है ना। सो व्हाट इज एटीट्यूड, अगेन मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए। It is an orientation or inclination towards any psychological object which could be positive, negative or ambivalent. बात समझ में आ गई? This is your attitude. तो attitude का मतलब सीधा सीधा क्या? कि आप किस तरीके से किसी चीज के प्रति react कर रहे हो या oriented हो या inclined हो, ठीक? अब next जो हम देखेंगे वो देखेंगे aptitude. क्या होता है aptitude? बोलते हैं ना इस लड़के का मैथ्स में एप्टीट्यूड बहुत सही है, ठीक है। एप्टीट्यूड होता क्या है? देखिए एप्टीट्यूड क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपको याद रखने वाली ये है कि एप्टीट्यूड नॉट एटीट्यूड, एप्टीट्यूड किसी भी इंसान में इनेट होता है, उसके अंदर पहले से होता है। जैसे अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो ये आप बिल्कुल जब से जन्मे हैं तब से आपको, तब से आपके अंदर ये एप्टीट्यूड है। ये याद रखिएगा, व्हाट इज एप्टीट्यूड, इट इज इनेट, आपके अंदर पहले से है। लेकिन अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, इस वर्ड को भी याद रखिएगा, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है तो आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। तो क्या बोला मैंने कि एक इंसान का जो एप्टीट्यूड होता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से उसके पास होता है। किसी को मैथ्स पसंद होता है, किसी को साइंस पसंद होता है, किसी को एस्ट्रोनॉमी पसंद होती है, किसी को डांस पसंद होता है। तो ये जो भी एप्टीट्यूड है वो एक इंसान के अंदर पहले से होता है, इनेट होता है। लेकिन हम जब उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं उस चीज के लिए तो वो उस फील्ड में एक्सेल कर सकता है। याद रखिएगा जैसे एक अच्छा चेस प्लेयर, उसके अंदर उस चेस को खेलने का आईक्यू पहले से प्रेजेंट है, लेकिन अगर उसको चेस खेलने का प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए तो एक अच्छा चेस प्लेयर बन सकता है कंट्री के लिए, ठीक है। सो व्हाट इज एप्टीट्यूड, इट इज इनेट, बट इफ प्रॉपर ट्रेनिंग इज गिवन वन कैन एक्सेल इन द फील्ड, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का आईक्यू जो है वो 100 है, उसको हमने बढ़ा के 140 कर दिया, कैसे, ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है। लेकिन एक बंदा ऑलरेडी जिसकी आईक्यू 130 के अप्रोक्स है, ठीक है, उसको वो अगर उसको ट्रेनिंग नहीं मिलती है, ठीक है, तो उसका बहुत ज्यादा से ज्यादा आईक्यू बढ़ेगा 135 मान लीजिए, ठीक है। तो एक लड़का जिसके पास आईक्यू था, ऑलरेडी था, उसको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिली होती तो उसका आईक्यू 180 तक पहुंच सकता था, ठीक है। लेकिन
एक लड़का जिसका आईक्यू सिर्फ 100 था, वो 140 के आईक्यू पे कैसे पहुंच गया? क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई। ठीक है, सो व्हाट इज एप्टीट्यूड? दिस बोथ द पर्सन हैव द एप्टीट्यूड, इसके पास ज्यादा एप्टीट्यूड है, लेकिन इसका एप्टीट्यूड कैसे बना? विद प्रॉपर ट्रेनिंग, है ना? और इसका क्योंकि ट्रेनिंग इसको नहीं मिली, ही कुड नॉट एक्सेल इन द फील्ड। बात समझ में आ गई? तो सक्सेस के लिए याद रखिएगा, जिंदगी में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको चार चीजें फॉलो करनी होगी। वो चार चीजें क्या है? पहला तो ट्रेनिंग है आपका, ठीक है, थाई, आप थाई याद रखिएगा, THAI, थाई फूड पसंद होगा आप लोगों को, तो थाई। T इज ट्रेनिंग, H इज हार्ड वर्क, हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा चाहे नो मैटर व्हाट। A इज योर एप्टीट्यूड एंड I इज योर इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर आप में इंटरेस्ट है अच्छी बात है, एप्टीट्यूड है अच्छी बात है, हार्ड वर्क है अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा अगर सक्सेस में जो आपका एप्टीट्यूड है वो एब्सेंट हो गया, ठीक है, सक्सेस में अगर आपका एप्टीट्यूड एब्सेंट हो गया तो ट्रेनिंग, हार्डवर्क, इंटरेस्ट किसी काम का नहीं रहेगा। यानी अगर आपके अंदर मैथ्स को पढ़ने का एप्टीट्यूड नहीं है तो मैं लाख ट्यूशन लगवा दूं, आप नहीं पढ़ पाओगे, याद रखिएगा इस चीज को। अगर आपके अंदर सिंगिंग का एप्टीट्यूड है ही नहीं बचपन से, तो मैं कितने भी अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस ले आऊं आपके सामने, आपको ट्रेनिंग दिलवा दूं, आप हार्डवर्क भी करो, आपका इंटरेस्ट भी बन जाए, लेकिन अगर एप्टीट्यूड नहीं है तो आप सक्सेसफुल कभी नहीं हो गए। तो अगर आपके अंदर सिविल सर्वेंट बनने का एप्टीट्यूड है तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे, वरना ट्रेनिंग, हार्डवर्क और इंटरेस्ट से कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। अब मैं आपको वैल्यूज बताने वाली हूँ, ये सारी चीजें नोट्स में दी हुई हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ब्लैंक पेज पे मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि विद एग्जाम्पल समझाना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट इज योर वैल्यूज, की वैल्यू क्या होता है। अब हम देखेंगे वैल्यूज क्या होता है। मैं आपको बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाली हूँ कि आप फटाफट इसको देख करके, खत्म करके, नोट्स बना करके अपने पास रेडी रख सकते हैं। ठीक है, नोट्स बनाने हैं तो बनाइए, नहीं बनाने हैं तो पेड ऑलरेडी है, आप उसको जाकर के परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज हम देखेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस होता है, हम एथिक्स को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, समझते हैं वैल्यू क्या होता है। आई होप आपको एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों समझ में आ चुका है। वैल्यू क्या होता है, देखिए वैल्यू एक ऐसा वर्ड है जिसको हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और नाउन की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, कैसे? अगर हम वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो जैसे कि हम किसी चीज को वैल्यू करते हैं, वी वैल्यू लव मान लीजिए। ठीक है, वी वैल्यू लव, यहां पे आप प्यार की वैल्यू वर्ब की तरह देख रहे हैं। दूसरा, अगर आप नाउन की तरह देख रहे हैं तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज, गोल्ड हैज अ वैल्यू, गोल्ड हैज अ वैल्यू। ठीक है, तो ये एक ऐसा वर्ड है जिसको वर्ब और नाउन दोनों की तरह देखते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट टेलिंग यू। ठीक है, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कभी कभी हम देखते हैं कि x की कोई वैल्यू होती है, सपोज x इज इक्वल टू 8। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो इकोनॉमी में किसी भी चीज की वैल्यू, जैसे गोल्ड की वैल्यू हो गई, पैसे की वैल्यू हो गई, बात समझ में आ रही है। लेकिन एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, हमें ना मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब है, ना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब है, हमें मतलब है एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वैल्यू का एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब होता है। एथिक्स में वैल्यू को हम रिलेट करते हैं फिलोसफी के साथ, फिलोसफिकल। ठीक है, बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी बट नेक्स्ट लेक्चर में, फिलहाल एक जनरल आइडिया आपको दे रही हूं कि एथिक्स में जो वैल्यू को हम समझते हैं वो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ठीक है, जैसे एथिकल एंड मोरल वैल्यूज, एथिकल एंड मोरल वैल्यूज। वैल्यूज होता क्या है, देखिए सोसाइटी के जो आइडियल्स होते हैं, एक सोसाइटी के अंदर जो भी आइडियल्स हैं, जैसे हार्डवर्क, पीस, इंटेग्रिटी, ये सारी चीजें जो भी सोसाइटी के अंदर जो आइडियल्स बने हुए हैं,
जो सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाता है जीने के लिए, बेटर प्लेस टू लिव इन। बात समझ में आ गई? इसको हम कहते हैं वैल्यूज। सो व्हाट इज वैल्यू? वैल्यूज आर द आइडियल्स ऑफ अ सोसाइटी विच मेक्स द सोसाइटी बेटर प्लेस टू लिव। बात समझ में आ गई? एंड अ पर्सन शुड हैव दीज वैल्यूज ताकि वो एक सोसाइटी का अच्छा इंसान बन के रहे। अगर एक पर्सन के अंदर सोसाइटी के दिए गए ऑनेस्टी के वैल्यूज हैं, तो वो इंसान बहुत ऑनेस्ट कहलाएगा, ठीक है? एंड ही विल बी रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। इट विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन फॉर दैट पर्सन, ठीक है? लेकिन अगर वही हम वर्च्यूज की बात करते हैं, व्हाट आर वर्च्यूज? अब आपको वैल्यू समझ में आ गया है? तो सपोज करिए ये एक इंसान है। इस इंसान के अंदर अगर वैल्यूज उसकी बिहेवियर में आ चुके हैं, जैसे ये आदमी बहुत ऑनेस्ट है, इस ऑनेस्टी के वैल्यूज इसके बिहेवियर में दिखते हैं। सपोज ये किसी ऑफिस में काम करता है, वहां पे किसी तरह का मान लीजिए कोई घपला हो रहा है, कोई स्कैम हो रहा है, और ये ऑनेस्टली जाके अपने बॉस को बता देता है, ठीक है? क्योंकि अब ये ऑनेस्टी का वैल्यू इसके बिहेवियर में आ चुका है। तो जब वैल्यूज द वैल्यूज व्हेन रियलाइज्ड इन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और बिहेवियर ऑफ अ पर्सनैलिटी, देन दे आर नोन एज वर्च्यूज। तो वैल्यूज अगर पर्सनैलिटी में रियलाइज हो जाते हैं और किसी पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाता है, तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? वर्च्यूज, ठीक है? तो करेज एक वैल्यू है। करेज सपोज करो एक सोसाइटी का वैल्यू है, तो वर्च्यू क्या होगा? करेजियस, ठीक है? जब एक इंसान करेजियस हो जाएगा, उसकी पर्सनालिटी में ये चीज आ जाएगा, तो वैल्यू बन जाएगा वर्च्यू। ऑलराइट, एक्सप्लेन? अच्छे से समझ में आ गया है? नाउ सी द नोट्स। तो मैंने आपको बताया था एटीट्यूड क्या है। इट इज द ओरिएंटेशन और इंक्लिनेशन। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और एम्बिवेलेंट, ठीक है? यहाँ पे डिफरेंस बताया हुआ है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में। देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है? जो सोच रहा है, जो बंदा सोच रहा है वो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन जिस चीज के बारे में सोच रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? तो एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड इज द ओरिएंटेशन और इंक्लिनेशन टूवर्ड्स एनी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और एम्बिवेलेंट, ठीक है? यहाँ पे मैंने साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट भी बता दिया है कि जो हम परसीव करते हैं, व्हाट वी परसीव एज अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट, मटीरियल, फिजिकल, कुछ भी हो सकता है, जिसको हम देख सकते हैं, ना देख सकते हैं, दैट इज योर साइकोलॉजिकल। बट मटीरियल ऑब्जेक्ट क्या होता था? सिर्फ जिसको, जो कि मटीरियल के फॉर्म में है। Then what is aptitude? Aptitude क्या होता है? It is the ability और it is innate, है ना? लेकिन बहुत सारी abilities जो होती है वो innate होती है, पहले से आपके पास होती है, जन्म से आपके पास होती है, अगर training दी जाए तो आप उसमें excel कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे difference बताया हुआ है material object and psychological object का, again, ठीक है? ये आप समझ लेंगे। Success के लिए क्या जरूरी है? 5 ट्रेनिंग, हार्डवर्क, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, ठीक है? लेकिन अगर ये प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं है, TIH होगा, ये R नहीं है, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो सक्सेस मिलना मुश्किल है। बात समझ में आ गई? फिर हम देखें कि वैल्यूज क्या होता है। इसको हम वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे वी वैल्यू समथिंग, नाउन में वैल्यू फॉर अस, रिस्पेक्टिंग, है ना? हम वैल्यू के टर्म्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इकोनॉमी में यूज करते हैं, जैसे लेबर की एक वैल्यू है। मैथ्स में यूज करते हैं, जैसे एक्स की एक वैल्यू है। लेकिन एथिक्स में हम इसको फिलॉसफी के साथ जोड़ देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी किस तरीके से। एथिकल और मोरल वैल्यू में वैल्यू क्या होता है? दीज आर द आइडियल्स ऑफ अ सोसाइटी विच मेक सोसाइटी बेटर प्लेस टू लिव इन, एंड अ पर्सन शुड हैव दिस, लाइक वैल्यू ऑफ करेज, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, है ना? वैल्यू ऑफ शेयरिंग, वैल्यू ऑफ पीस, ये सब सोसाइटी में होना चाहिए। लेकिन जब ये आइडल्स आपके बिहेवियर में आ जाते हैं एंड इट मेक्स अ बेटर प्लेस टू लिव इन,
दे आर नोन एज वर्च्यूज. वर्च्यूज आर द आइडियल्स रियलाइज्ड इन अ पर्सनालिटी. वैल्यू जब किसी पर्सनालिटी में रियलाइज और डेवलप हो जाता है उसको हम वर्च्यू कहते हैं. करेज एक वैल्यू है और करेजियस होना एक वर्च्यू. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस के बीच में डिफरेंस. तब तक के लिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन. कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. मैं और एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करूंगी, है ना. कोई भी डाउट है प्लीज प्लीज आस्क विदाउट हेजिटेशन. और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. कीप प्रिपेयरिंग, कीप मेकिंग नोट्स. नोट्स नहीं है, नहीं बनाने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, रिविजन में ज्यादा टाइम देना है तो प्लीज बाय माई नोट्स. आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी प्लस प्रिंटेड मटीरियल भी आपको मिलेगा. ठीक है, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय नाउ.